हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शहनाज आर्ट। आज हम बनाएंगे ये सिंपल सा स्वेटर का डिज़ाइन। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर या टू कलर दोनों में ही बना के तैयार कर सकते हैं। देखें, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आए देखें ये किस तरह से बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैन बना के तैयार करेंगे। इस तरह से फंदा बना लेंगे, चैन बना के तैयार करेंगे। देखें, ये मैंने इतनी लंबी चैन बना के तैयार कर ली है। अब देखें, इस चैन को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। इस तरह से लेंगे फंदा और ये जो हमने चैन पकड़ी है इसमें से इस तरह से फंदा निकाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे चैन में आएंगे, एक डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखें, इस तरह से हमें चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीन बार हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है और एक हमारी ये चैन वाली लाइन है। अब यहाँ पे आप दो चैन बनाएंगे, एक दो। अब यहाँ से चैन काउंट करेंगे, एक दो तीन। तीसरी चैन में आएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें यहाँ पर चार बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार। लाइन से हर एक एक चैन में चार बार डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। एक हमने बना लिया है, दो, तीन, चार। अब देखें, आगे आएंगे, दो चैन बनाएंगे और यहाँ से चैन काउंट करेंगे, एक दो तीन। तीसरी चैन में आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें लगातार चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, आगे काउंट करेंगे, एक दो तीन। तीसरी चैन में आएंगे और इस तरह से चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, इस तरह से हमने दो दो चैन के गैप के बाद चार चार बार डबल क्रोशिया बना के तैयार करा है। ये लाइन हमारी इस तरह से बन के तैयार हुई है। अब आप यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, इस तरह से घुमा लेंगे और इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी चैन वाली लाइन है, इसके ऊपर है। आगे इन तीन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
दो चैन बनाएंगे और इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बना के इन चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे आएंगे दो चैन बना के इन चारों के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। आखिरी वाला यहां से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें ये हमारी लाइन सेकेंड इस तरह से बन के तैयार हुई है। यहाँ पे इस तरह से दूसरा कलर ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमें पांच चेन बनानी है। एक हमने बना ली है, दो तीन चार पांच, पांच चेन बनाने के बाद इस तरह से घुमा लेंगे। देखें ये जो है इनके बीचों बीच से इस तरह से यहाँ से फंदा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमने बना लिया है, इस तरह से दो चेन बनाएंगे और आगे देखें इसमें आएंगे, यहां से इस तरह से फंदा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें भी हमें चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखें अब आप दो चेन बनाएंगे और इसी तरह हमें यहां भी चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब आप दो चेन बनाएंगे और आखिरी में यहाँ लाके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमारी लाइन इस तरह से बन के तैयार हुई है। अब आप यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से घुमा लेंगे। और देखिए ये जो हमारी चार बार डबल क्रोशिया बनी है इनके इन चैनों में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार। एक दो तीन और ये यहां चार, दो चैन लेके आगे इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। दो चैन लेंगे और इनके ऊपर भी इसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बना लेंगे और उन पे चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इन पर। अब देखिए दो चैन बनाएंगे और यहाँ से एक दो तीन तीसरी चैन में आएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमें ये कलर ऐड करना है, इसे ऐड करेंगे यहाँ पे, तीन चैन बनाएंगे और इस तरह से घूम जाएंगे। अब देखें ये जो हमारा ये गैप है, इनके यहाँ से हमें फंदा निकालना है और तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें तीन हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है और एक ये हमारी चैन वाली लाइन है, तो हमारी यहाँ टोटल चार बार डबल क्रोशिया है। दो चैन लेके आगे इसमें आएंगे और इसमें भी चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन लेके आगे आएंगे, इसमें चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन लेंगे और देखें ये जो है यहाँ पे भी इसी तरह से तीन बार इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया और एक यहां से हम फंदा निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ हमारे चार बार डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए हैं। अब आप यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे, इस तरह से घुमा लेंगे और देखें इन सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी यहाँ बनी हुई है और एक यहाँ से लेंगे फंदा उठाएंगे, दो तीन चार, दो चैन लेके आगे आएंगे, इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार। दो चैन लेंगे यहाँ पे और इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बनाएंगे और इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। पांच चैन बनाएंगे, इस तरह से घुमा लेंगे। देखें ये जो हमारा है, इस तरह से यहां पर हमें पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है। दो चैन बना लिया और देखें इसमें भी चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
दो चैन लेंगे, इसमें भी चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे, और देखें ये आखिरी वाले में इस तरह से फंदा उठा के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखें यहाँ पे हम पांच चेन बनाएंगे, इस तरह से घुमा लेंगे, और देखें इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बना के आगे वाले में आएंगे, इसमें भी इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन बना के आगे आएंगे, इनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन लेंगे और देखें यहाँ से एक दो तीन, तीसरे में आके इस तरह से फंदा लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, अब ये हमारा डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा है। हमने ये वाली लाइन यहाँ बनाई है और ये वाली लाइन दोबारा यहाँ रिपीट हुई है, इसके ऊपर हमारी ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट होएगी। देखें अब हमें इसकी सिलाई में यहाँ पे इस तरह से बनाना है, इसकी सिलाई में यहाँ पे इस तरह से ही बना के तैयार करना है। देखिए ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के तैयार हो गया है। इस डिजाइन का लुक बिल्कुल डायमंड शेप जैसा है। देखें फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।